हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। मैं यही प्रेयर करती हूँ मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं सभी खुश खुश रहें, और मतलब जो सब्सक्राइबर नहीं है वो भी खुश रहें। आई होप सब अच्छे से रहें अपने घर में। तो गाइस, सुबह का दिन है, मैं नहा चुकी हूँ और मैंने आज हेड वॉश करा था, लेकिन मैंने ड्रायर लगा लिया तो मेरे सारे बाल सूख गए, इसलिए मैंने ये क्लिप लगा लिया। और पूजा वगैरह हमने कर ली, हमारे ठाकुर जी वगैरह नहा चुके हैं, और मेरी खांसी रुक कर नहीं जैसे मैं बोलती हूँ ना वैसे ही उठ जाती है, और यहाँ यहाँ पे बहुत तेज दर्द हो रहा है। तो अभी अभी मैंने विक्स लगाई है, देखती हूँ थोड़ा विक्स से अगर मुझे आराम मिलता है। तो गाइस, आज है मेरा क्या बोलते हैं, दो मेकअप करने जाना है मुझे, तो देखते हैं वो कैसे होते हैं। ट्राई करूंगी कि वहां पे जाके कुछ शूट कर लूँ, वीडियो वगैरह अगर मुझे टाइम मिला तो मैं कर लूंगी। बाकी कोशिश तो यही रहेगी कि मैं कर लूँ, पर मुझे पता है यार टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि वो लोग बोलते हैं जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, ये है वो है, फिर है ना दूसरे के घर पे यार जाना और फिर उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो मिलती हूँ अभी आपसे, ठीक है? चाय वगैरह पी लूँ, और मैंने मेरी अंजीर खा ली है, वो पीछे कप रखा है, उसमें मैंने रात को भिगोई थी। और मैं चाय वगैरह पी के फिर आपसे मिलती हूँ गाइस, ठीक है गाइस? तो गाइस, आज हमने हमारे कानन जी को बनाया है पिंक, देख सकते हैं आप, सबने पिंक पिंक पहना है, और राधा रानी देख कितनी सुंदर लग रही हैं, और अंदर ब्लू पहना है एंड चुन्नी इन्होंने ब्लू लगाई है, इनका ब्लू लगाने का मन होगा तो ब्लू लगा दी है, ये देखिए। और इन्होंने भी नीचे ब्लू पहना है, और इन्होंने स्काई ब्लू पहना है, और इन्होंने भी ब्लू पहना, सबने ब्लू पहना, पता नहीं कैसे, मुझे खुद को नहीं पता। आई थिंक राधा रानी का फेवरेट कलर ब्लू है, तो इन सबने भी ब्लू ही पहना है। मतलब ये जो चाहते हैं वही होता है, अपन अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमारे यहाँ ना चूहे हो गए यार बहुत। तो गाइस, आज दोपहर के खाने में हमने बनाया है दाल चावल, और अब क्या बोलते हैं मनस्वी को मैं रेडी करने जा रही हूँ। तो मैं वीडियो जहाँ तक है शूट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे उसको फटाफट की है ना बीच मांग निकाल के हेयर स्टाइल बनानी है, और उसको ड्रेस वेयर करानी है। तो ड्रेस मैं आपको दिखा देती हूँ कौन सी वेयर करानी है, ये वाली ड्रेस। ये स्कूल वालों ने अपनी तरफ से दी है, पीच कलर का है पूरा ड्रेस, और इस पे ना सिल्वर कलर के ये बने हुए हैं, और ये चुन्नी है ये वाली, और ये लूम्स लगा के जाने हैं, ठीक है गाइस? और हमारे नीचे ना बिल्कुल देखो आज अंधेरा अंधेरा हो रहा है, क्योंकि जो जाल है ना उसको पूरा ढक दिया है, तो पूरा ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल अंधेरा रात हो गया है, क्योंकि इसलिए ढक दिया है, ऊपर से हवा आ रही थी बहुत ज़्यादा, तो जाल हमने कवर कर दिया पूरा। तो अब मैं मनस्वी को रेडी कर दूँ, और कनिष्का भी रेडी होने आई रही है, उसका भी मुझे बस है ना जुड़ा और आगे से वही हेयर स्टाइल बनाना है, दोनों बच्चों का हेयर स्टाइल बनाना है, लेकिन कनिष्का का ओनली हेयर स्टाइल है, मनस्वी को फुल रेडी करना है, और मुझे भी जाना है। तो वहाँ अगर गाइस हो सका तो मैं शूट कर पाऊँगी, और मुझे देखते हैं टाइम कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा। अगर नहीं सूट कर पाई तो प्लीज़ आप लोग माइंड मत करिएगा, क्योंकि यार फटाफट मेकअप करना होता है, फिर वहाँ से सारा पैकअप भी करना होता है, सारा सामान भी अच्छे से रखना होता है, ऐसा लगता है कि ये चीज़ रह ना जाए वो चीज़ ना रह जाए। तो इसलिए हमने अभी सिंपल एंड ईजी खाना बनाया है, ओनली दाल एंड चावल हम सबने खाना खा लिया है, और आज यहाँ रुकेंगी मम्मी पापा और विराज, वो दोनों तीनों जने यहाँ रुकेंगे, मैं और मनस्वी, और मेरे साथ जाएगी कश्मीरा एंड नेहा। तो हम तीनों जाएंगे, मतलब नेहा अपनी कार लेके जाएगी, तो मेरे पास अभी कोई साधन नहीं है, और ना फिर घर पे मुझे कोई छोड़ने वाला नहीं है। तो नेहा ने कहा भाभी मैं छोड़ दूंगी आपको, तो वो जाएगी मुझे लेके। मिलते हैं आपसे आगे, व्लॉग में बने रहिएगा। आज तो देख सकते हैं आप, मैं थोड़ा सा रेडी हो गई हूँ, ये थोड़ा कोट वोट डाल के ठंड हो रही है यार, और हल्का सा मैंने थोड़ा सा फेस पाउडर लगा लिया, क्योंकि ऐसे यार कहीं जाओ तो अच्छा नहीं लगता ना, जैसे घर में बैठो वैसे उठ के चल जाओ, तो थोड़ा सा मैंने फेस पाउडर लगा लिया और हल्का सा ये काजल लगा लिया, बस इससे ज़्यादा मैं मेकअप बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, बस शादी वादी में ही मुझे बर्दाश्त है मेकअप, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती। तो मैं आपसे मिलती हूँ वहीं पर जाके, ओके गाइस?
अरे नेहा जल्दी आजा यार, देर हो रही है। देखिए गाइस, तो इन्होंने चप्पलें भी नहीं पहनी, नंगे पैर भाग के आई है। चप्पल तो पहन लेती, गाड़ी में पहन ली। चलो अच्छा, तो ये सो रही थी क्या? कौन है नानी? तो गाइस हमने ना दोनों मेकअप लुक कर दिए थे, उसके बाद हम यहाँ फंक्शन अटेंड करने आ गए थे क्योंकि आंटी जी ने बोला था खाना खा के जाना, वैसे खाना खाए बगैर मत जाना। तो हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ खाया, फिर हमने यहाँ से मनस जी के स्कूल से है ना पिक किया। और नेहा देख सकते हैं हम कार ड्राइव कर रही है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। कश्मीरा के हाथ में कॉफ़ी आप देख सकते हैं। फिर हम निकल लिए घर के लिए, बस घर पहुँच के आपसे मिलती हूँ। Hey guys, तो मैं वहाँ मेकअप करके आ चुकी हूँ और ये देख सकते हैं आप मेरी हालत, ये गाल पूरे लाल हो चुके हैं मेरे, गर्मी लग रही थी, मैंने ये कोट वोट सब निकाल के फेंक दिया। और मैं दिखा दूँ मनस्वी को, मैं भी ले आई मनस्वी को दिखाती हुई। देखिए मैं मुंह छुपा रही हूँ अपना क्योंकि टीचर्स ने इसका चेहरा बहुत ज्यादा लाल कर दिया, दिखाना ये देखिए। ये क्या कर दिया इसके चेहरे को, और ये दोनों मूर्तियां आ गई है। हे गाइस, तो हम सब आ गए हैं, मैं कश्मीरा नेहा और मनस्वी, उसको मैंने स्कूल से पिक कर लिया था। उसकी टीचर का बहुत कई बार फ़ोन आया और उसकी जो निधि मैम है वो तो बोल रही थी कि आप अभी तक नहीं आए हो, बच्चा लेट हो रहा है, सबसे लास्ट रह गया है। फिर वही है ना, वहाँ पे हमने थोड़ा सा मतलब उन लोगों का मेकअप करा तो उसमें थोड़ा टाइम चला गया। फिर उन लोगों ने बहुत ज़्यादा फोर्स कर दिया कि है ना आप है ना खाना खा के जाना, तो उनके जस्ट घर के बराबर में ही था वेडिंग का जो भी था हॉल वगैरह, उन्होंने वहीं पे बुक कर रखा था। तो फिर हमने, और मुझे भूख भी लग रही थी, जैसे कि मैंने आपको बोला दिन में थोड़ी सी दाल चावल खा के गई थी तो मुझे भूख लग रही थी। तो फिर मैंने वहाँ पर कॉफ़ी और थोड़ा सा क्या खाया था, हाँ डोसा वगैरह खा लिया था। फिर उसकी टीचर का जैसे ही फ़ोन आया तो हम तुरंत निकल लिए और फिर मनस्वी को वहाँ से पिक करा और घर आ गए। और घर पे मम्मी ने आज बना दिए थे शाम को आलू टमाटर, और रोटी मैंने सेक दी थी आके, और मम्मी पापा दोनों चले गए दुकान क्योंकि वहाँ पे उनकी गाय है ना वो परेशान कर रही थी। किसी का फ़ोन आया था, बोले गाय परेशान कर रही है, यहाँ पे आ जाओ। और मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो मैंने फेस वगैरह सब अपना धो लिया और स्वेटर और शॉल ओढ़ ली, क्योंकि गाइस मैं जब आई थी ना तो मेरा फेस एकदम रेड हो रहा था, रेड हो, वहाँ ठंड से मुझे रेड हो रहा था। पहले तो जैसे ही मैं गई वहाँ पे मुझे उनके रूम में इतनी गर्मी लगी, इतनी गर्मी, तो मैंने कोट उतार के फेंक दिया। फिर जब आई ना तो मुझे बहुत सर्दी लगी, तो मेरा पूरा चेहरा रेड हो गया। तो आज का दिन था बहुत ज़्यादा थकान भरा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के ब्लॉग में इतना ही। डू कॉमेंट लाइक सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, अगर अभी तक आप न्यू हैं मेरे चैनल पर और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके दोस्तों, बाय, गुड नाइट।